नमस्कार, मार्केट रेडार में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में दमदार तेजी देखने को मिली है, तो ऐसे में आखिरी दो घंटे जो बचे हैं मार्केट के, उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम आपकी सटीक रणनीति बनाने में करेंगे मदद। साथ ही ट्रेडिंग की दमदार कॉल्स भी आपके सामने पेश करेंगे। इसके अलावा उन स्टॉक्स पर खास फोकस होगा जो एक्शन में है, और उस पर एक्सपर्ट की सलाह भी आपके लिए पेश करेंगे। लेकिन फटाफट आपको बताते हैं कि बाजार में आज पांच कौन सी बड़ी बातें देखने को मिली है। तो ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें, जैसे हमने बताया बाजार में अच्छी खरीदारी लौटते हुए दिखी है। पिछले हफ्ते की सारी सुस्ती को भुलाकर मार्केट ने छलांग लगाई है। निफ्टी सॉन्ग चढ़ता हुआ दिखा है, 15800 के पार निफ्टी इस समय कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में हमने अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी है, 52800 के ऊपर यहां पर भी ट्रेड हो रहा है। 323 अंकों की मजबूती हमने यहां पर आते हुए देखी है। बैंक निफ्टी ने तगड़ा 200-250 अंकों का उछाल दिखाया है। अब 286 अंक ऊपर है इस समय, 35100 के करीब यहां कारोबार होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ ब्रॉडर मार्केट्स ही नहीं, हमने इंडाइसेस में भी जबरदस्त एक्शन देखा। आप रियल्टी, ऑटो, मेटल, बैंकिंग, किसी भी इंडेक्स को उठा लीजिए, इनके स्टॉक्स को उठा लीजिए, सब में आज जम के खरीदारी हो रही है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो यहां बाजारों में कमजोरी दिखी है। डाउ फ्यूचर्स तकरीबन 75 अंक कमजोर इस समय नजर आ रहे हैं। ये तो था मार्केट का अब तक का एक्शन, लेकिन आपको इस मार्केट में करना क्या चाहिए, आगे क्या रणनीति अपनाएं, मार्केट रेडार पर इन्हीं सब पे बात करने के लिए और आपको एक्शन वाले स्टॉक्स पर सलाह देने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के रोहित सिंगरे जुड़ चुके हैं। रोहित, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। रोहित, पिछला हफ्ता हमने देखा बहुत छोटे दायरे का ट्रेड था, सुस्ती हावी थी, लेकिन मार्केट हैज गिवन अ वेरी गुड कमबैक। आप को लगता है दैट दिस बुलिशनेस इज हियर टू स्टे, क्या यहां कुछ खरीदारी के मौके दिख रहे हैं? Yes, good afternoon. बिल्कुल, देखिए लास्ट वीक का जो भी कंसोलिडेशन था उसको आज के सेशन में ब्रेकआउट देना और फर्स्ट यू नो डे ऑफ वीक में ब्रेकआउट देना एक अच्छी बात होती है। फिर हम लोग ने देखा है हिस्टोरिकली जब भी ऐसा हुआ है तो एक ट्रैक्शन हम लोग को देखने को मिला है पूरे वीक में। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आज का जो डे लो का जो स्टॉप लॉस है 15770, वो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चला है और निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस पे जो मेरा टारगेट रहेगा एक से दो सेशन के लिए तो रहेगा 15900 का। 15900 के ऊपर जैसे ही हम लोग सस्टेन करेंगे फिर हम लोग 16200-16300 की बात करेंगे, बिकॉज 15900 जो है काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है ऊपर की तरफ। तो जैसे ही 15900 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग हो जाएगी एक फ्रेश मूव के लिए हम लोग वापस रेडी हो जाएंगे। बट यस, आज के सेशन में मुझे लग रहा है कि बाइंग करके चलना चाहिए। डे लो का स्टॉप लॉस लगा है 15770 का और यहां से एक बार 15900 तक का इमीडिएट बेसिस पे मूव हम लोग को देखने को मिल सकता है, फ्रेश मूव 15900 के ऊपर। सेम थिंग मुझे लग रहा है कि निफ्टी बैंक के अंदर भी ट्रैक्शन काफी बढ़िया है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवर में है। 35000 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है 100-125 पॉइंट का, और मुझे लग रहा है कि यहां से एक बार 35400-450 तक का मूव हम लोग को निफ्टी बैंक के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों इंडेक्सेस के अंदर मेरी खरीदारी करने की सलाह रहेगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में है। तो आज शॉपिंग करने का दिन है रोहित, ये मानते हैं, फिर चाहे निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो, सब में खरीदारी करने का दिन है। हाँ, निफ्टी में 15900 का एक पहला रेजिस्टेंस रोहित को दिखाई दे रहा है, वो पार हो गया तो उसके बाद तो यहां से तेजी ही तेजी दिखाई दे रही है। चलिए, ये हमने ब्रॉडर मार्केट्स पर बात की, लेकिन फटाफट मेरे सहयोगी मेरे साथ अब जुड़ते चले जा रहे हैं, कुछ खबरें हैं मार्केट में उस पर फोकस करेंगे और फिर लेंगे रोहित की राय। तो सबसे पहला जो स्टॉक हमारे रेडार पर है वो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये फोकस में है। निकलकर आ रही है कि ये जो कंपनी है ये कुछ बहुत सस्ते दरों पर होम लोन का ऐलान कर चुकी है। कितने हैं ये सस्ते सस्ते दर, कितनी है ये हाउसिंग मार्केट पर, हाउसिंग फाइनेंस मार्केट पर किस प्रकार का असर पड़ेगा, सारी डिटेल लेकर मेरी सहयोगी देवांशी जुड़ रही है। देवांशी, ओवर टू यू। बिल्कुल नेहा, आप देखिए पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं जिस तरह से हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में अच्छी बढ़त होती हुई दिख रही है, क्योंकि जो घरों की बिक्री है उसमें लगातार बढ़त होती हुई दिखी है। कुछ दिन पहले हमारे पास ये भी खबर आती हुई दिखी थी कि जो स्टैम्प ड्यूटी है उसमें बढ़त होती हुई दिखी है, तो क्लियरली जो घरों की बिक्री है उसमें बढ़त होती हुई दिख रही है। और यही नहीं, अगर आप उसमें भी अगर सब सेगमेंट देखते हैं तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है वहां पर काफी अच्छी बढ़त देखने मिली है। अब खबर यह है कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने अपनी जो दरें हैं उसको और कम कर दी है और अब वो मार्केट शेयर के लिए जो टाइम्स है वो थोड़े से चैलेंजिंग होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ज्यादा मार्केट शेयर लाने के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने अपनी जो दरें हैं वो और भी कम कर दी हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की जो लेंडिंग रेट्स हैं वो 6.66% पर होती हुई दिख रही हैं। 50 लाख तक के अगर आपको होम लोन्स चाहिए
यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में, तो आपको ये जो लेंडिंग रेट से वो एप्लीकेबल होंगे। इसके साथ ही आपका जो क्रेडिट स्कोर होना चाहिए वो काफी अच्छा होना चाहिए, तभी आपको इस ब्याज दरों पर लेंडिंग होती हुई दिखेगी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अब तक हम देख रहे थे कि जितनी भी बैंक्स थी, निजी बैंक्स और साथ ही जो सरकारी बैंक्स हैं, वो फाइट करते हुए दिख रहे थे मार्केट शेयर पाने के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे ये होता हुआ दिख रहा है कि जो NBFCs हैं, होम फाइनेंस कंपनीज, वो भी अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए सस्ती दरें पास ऑन करती हुई दिख रही हैं, और इसी का जो फायदा है वो LIC हाउसिंग फाइनेंस को मिलता हुआ दिख रहा है। और उसके सामने आप देखिए जो सरकारी बैंक्स हैं, जो उनका मार्केट शेयर है पिछले दिनों में, पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं करीब 45% के आसपास है। तो वो देखना होगा कि आने वाले समय में कौन लीक करता हुआ दिख रहा है, कहां से मार्केट शेयर किस सेगमेंट में जाता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि अब सस्ती दरें हैं, तो जो NBFCs हैं, स्पेशली LIC हाउसिंग फाइनेंस, रेपको होम फाइनेंस, इन सब पर आपको आने वाले समय में फोकस करना चाहिए। मार्केट शेयर आने वाले समय में बढ़ सकता है इनका, स्पेशली होम सेगमेंट मार्केट में। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं वो खासी एक्शन में है, और मार्केट शेयर 37% तक इनका पहुंचता हुआ नजर आया है। सबसे सस्ता होम लोन दे रही है LIC हाउसिंग फाइनेंस, और ये है खास आज फोकस में, स्टॉक में हमने मजबूती देखी है। इससे पहले कि आगे बढ़े रोहित, मैं आपका कॉल लेना चाहूंगी, सिर्फ LIC हाउसिंग फाइनेंस नहीं, अगर आपको हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र में कोई, इस सेक्टर में कुछ कोई और कंपनी भी पसंद है तो उस पर भी आप अपनी राय दीजिए। देखिए, पहले मैं LIC की बात करूं तो एक LIC ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है, और कहीं ना कहीं इट इज नियर टू ब्रेकआउट। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल बाइंग पोजीशन इनिशिएट करके चलना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवर में है, 460 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि एक बार इसका जो स्ट्रॉन्ग हर्डल है वो 500 के करीब करीब है। तो मुझे लग रहा है कि 500 के पहले कोई स्ट्रॉन्ग हर्डल है नहीं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवर में है, तो LIC के अंदर मेरी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और अगर ये स्पेस में से कोई और देखना है तो मुझे लग रहा है कि इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, जहां पर काफी अच्छा ट्रैक्शन है, थोड़ा हाई बीटा नेम है, बट इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है, एक ब्रेकआउट रिटेस हम लोग जिसको मानते हैं वो स्ट्रक्चर है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी आपको बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह रहेगी, बट थोड़ा स्टॉप लॉसेस थोड़े डीप रहेंगे। 258 का आपको जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, और मुझे लग रहा है कि अगर 258 के ऊपर अगर ट्रेड कर जाता है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, तो एक बार आपको 310 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो LIC और इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर मेरा बाय रिकमेंडेशन है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और LIC दोनों पर है फोकस, खरीदारी की रिकमेंडेशन है। क्विकली इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जो खबर आपकी स्क्रीन पर ब्रेक हो रही है इंडसइंड बैंक की, यहां पर तकरीबन 1% की मजबूती है। खबर यह है कि इस बैंक का जो डिपॉजिट है वो तकरीबन सालाना 26% की इसमें वृद्धि देखने को मिली है, 2.68 लाख के आसपास, हमने 2.68 लाख करोड़ का यहाँ पर वृद्धि बढ़कर इसे YOY बढ़ते हुए देखा है। 26% यहाँ पर हमने इंडसइंड बैंक के डिपॉजिट में बढ़ोतरी देखी है। कासा रेशियो क्वार्टर एंड क्वार्टर 41.8% से बढ़कर 42.1% पर चला गया है। इसका नेट एडवांस भी जो है वहां पर भी हमने बढ़ोतरी देखी है, 30 जून तक ये 2.13 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। स्टॉक इस समय मजबूती दिखा रहा है, 1.25% की तेजी। क्विकली रोहित मुझे बताइए, क्या नजरिया बन रहा है इंडसइंड बैंक में? करंट लेवल्स पर बाय करने की सलाह रहेगी। 1000 रुपए का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, और इसका इमीडिएट हर्डल की अगर मैं बात करूं तो 1040 के ऊपर आपको फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड जो है यहाँ पर भी काफी बढ़िया है, 15 रुपए का रिस्क रहेगा, 1015 का भाव चल रही है, और 1000 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। 1040 मेरा पहला टारगेट, और ओवरऑल जो मेरे टारगेट है वो 1100 रुपए के बनेंगे पोजीशन लियाज पे। तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवर में, बाय करने की सलाह रहेगी। बाय करने की सलाह इंडसइंड बैंक, और यहां पर 1040 का पहला टारगेट है, लेकिन पोजिशनली अगर आप इसे कंसिडर करके चले तो 1100 का भी स्तर आने वाले समय में रोहित देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और स्टॉक पर हमारा फोकस है, स्टरलाइट टेक। इसका शेयर आज फोकस में है, खबरें निकलकर आ रही हैं कि कुछ बड़े कैपेसिटी एक्सपेंशन यहां देखने को मिल सकते हैं, और कुछ विस्तार की भी योजनाएं हैं। क्या है डिटेल, क्या योजना है कंपनी की, सारी डिटेल्स लेकर जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष, गुड आफ्टरनून, ओवर टू यू। गुड आफ्टरनून नेहा, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि पूंजी निवेश की और साथ ही साथ क्षमता विस्तार की जो है मैनेजमेंट की योजना, और इस बार करीब 200 करोड़ खर्च करने वाले, इतना ही नहीं कि इस पूरे वित्त वर्ष में अगर आप देखें तो 500 करोड़ और अगले वित्त वर्ष में 250 करोड़ खर्च किए जाएंगे, और आगे जाकर भी अगर आप देखें तो आउटलुक की तरफ मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है। कुछ 2 दिन पहले हमने आपको बताया भी था कि
ब्रोकरेज हाउस की भी जो लगातार रिपोर्ट्स है स्टॉक पर सपोर्टिव आ रही है। FY23 में अगर आप देखें यानी अगले वित्त वर्ष में 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का लक्ष्य है और 10,000 करोड़ की आय का लक्ष्य इन्होंने इनका क्या है FY23 अंत तक, यानी आय और ऑपरेटिंग मैट्रिक्स के लिहाज से भी अगर आप देखें तो मैनेजमेंट की तरफ से काफी बढ़िया कमेंट्री आती हुई दिखी है। ऑप्टिकल फाइबर वॉल्यूम्स में बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी, दूसरे देशों में विस्तार करने जा रहे हैं और जिसके चलते अगर आप देखें तो स्टॉक लगातार पिछले 2 दिन से बजेंगे है। आज भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक 4 से 5% यानी करीब करीब 2% की तेजी इस स्टॉक में देखी जा रही है। वेरी वेल आशीष, शुक्रिया वो खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए अभी मार्केट रेडार में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे फोकस और रोहित के क्या पसंदीदा स्टॉक्स हैं आज ये भी जानेंगे थोड़ी देर में। ब्रॉडर मार्केट्स और सारे इंडाइसेस सब में यहां पर बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है, 100 अंकों की मजबूती लेकर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी हमने तगड़ा उछाल देखा है। ऐसे मार्केट में आपको कमाई का मौका कहां मिलने वाला है? रोहित सिंघवी हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के हैं। रोहित फटाफट बताइए इस मार्केट में आपको कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं? देखिए मेरा पहला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा सुमितोमो केमिकल। सुमितोमो केमिकल के अंदर काफी बढ़िया ब्रेकआउट आज के सेशन में हम लोग को देखने को मिला है। स्टॉक 3% ऊपर है, 395 का रेट चल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर ये लेवल सस्टेन कर जाते हैं तो एक बार 420-425 तक का मूवमेंट हम लोग को सुमितोमो में देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा पहला स्टॉक रहेगा। स्टॉप लॉस आपको जो रहेगा वो 385 का मेंटेन करके चलना है। सेकंड जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा हैटसन एग्रो। हैटसन एग्रो के अंदर भी काफी बढ़िया ब्रेकआउट हम लोग को डेली चार्ट पर देखने को मिला है। 933 का रेट चल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा पोजीशन लिहाज पे आपको ध्यान देना चाहिए। एक बार करंट लेवल से अगर होल्ड कर जाते हैं तो एक बार 1000 रुपए तक के लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 900 का रहेगा। सो हैटसन एग्रो और सुमितोमो केमिकल के अंदर मेरा बाइंग रिकमेंडेशन रहेगा। वेरी वेल रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस मार्केट में कहां कहां कमाई के मौके मिलने वाले हैं। इसी के साथ मार्केट रेडार पर इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत लेकिन बने रहिएगा आप जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद अनिल सिंह भी और दीपांशु लेकर जुड़ेंगे फाइनल ट्रेड। नमस्कार।